नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो है रेस्टोरेंट कम होटल, जिसके अंदर रूम्स भी होंगे, एक एरिया में अपना खाने का भी सिस्टम बनेगा, यानी रेस्टोरेंट भी बनेगा और फंक्शन के लिए पार्टी हॉल भी बनेगा। आज मैं आपको ग्राउंड फ्लोर के बारे में, यानी रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रेस्टोरेंट का सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए। मेरे एक क्लाइंट का मैसेज आया है, जिनका अपना ये रेस्टोरेंट बनने जा रहा है। नीचे रेस्टोरेंट बना रहे हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बैंकेट हॉल और रूम्स बनाने जा रहे हैं। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट की वास्तुशास्त्र के अनुसार किस प्रकार से यहाँ पर सेटअप करना चाहिए। इनकी जो जगह है ये लगभग 5 एकड़ के करीब है और ये नेशनल हाईवे पर लगती है और इसी के साथ में वेस्ट डायरेक्शन में, यानी जो नेशनल हाईवे है वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगता है और जो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में है वो विलेज की सड़क लगती है। ऐसे में इन्होंने अपने यहाँ जो रेस्टोरेंट बनाना है, जो होटल बनाना है, वो फ्रंट में यानी रोड पे ही, नेशनल हाईवे पर ही बनाना है, क्योंकि इनकी जगह तो बहुत लंबी है। यदि रेस्टोरेंट बिल्कुल बैक साइड में यानी साउथ साइड में बनाते हैं तो यानी कि ये मान के चलिएगा कि वो हाईवे से काफ़ी अंदर हो जाएंगे, जिससे कि उनके यहाँ कस्टमर का आगमन नहीं होगा। इनका काम चल रहा है, इनके यहाँ पिलर खड़े हो चुके हैं, DPC लेवल आ चुका है। तो इन्होंने मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे को मैसेज किया, बंसल जी ऐसे ऐसे बात है और हम एक अपना रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ऊपर पार्टी हॉल बना रहे हैं, प्लस रूम्स बना रहे हैं, तो हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए। हमारे DPC लेवल आ गया है और हमारे कॉलम्स खड़े हो गए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस रेस्टोरेंट के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये रेस्टोरेंट नॉर्थ फेसिंग है यानी नॉर्थ में नेशनल हाईवे है और वेस्ट साइड में विलेज स्ट्रीट जाती है, तो जो मेन फ्रंट है वो इनका अपना नॉर्थ का बनता है। अब इनकी अपनी जो एंट्रेंस बनती है, मैं सबसे पहले बाहर का वास्तु बताऊंगा। इनके यहाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में, इस जोन में सबमर्सिबल लगा हुआ है, जो इन्होंने मेरे को वीडियो शेयर की थी। यहाँ पर ये सबमर्सिबल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सबमर्सिबल के साथ इन्होंने ईंटों का चट्टा लगाया हुआ है, ईंटों का ढेर लगाया हुआ है। यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में यदि ईंटें रखी जाती है, बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखा जाता है, तो जो बिल्डिंग बनाते हैं उसकी चाल स्लो हो जाती है, यानी जो समय हमें अपनी बिल्डिंग को पूरा करने में तय किया है वो समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आपको ये एरिया कम्प्लीट क्लीन करना है। सबमर्सिबल जहाँ लगा हुआ है, सबमर्सिबल के साथ जो चारों तरफ की जो मिट्टी निकली थी वो मिट्टी भी वहीं पर डालकर उसका भी एक ढेर बना दिया, एक टीला बना दिया है, तो वो मिट्टी भी वहाँ से हटानी है। ऐसा करने से बिल्डिंग समय पे पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है कि इन्होंने अपना एक सीमेंट स्टोर और चौकीदार के लिए जो रूम बनाया है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में, इस जोन में इन्होंने रूम बनाया है, जो कि एज पर वास्तु गलत माना जाता है। हमेशा ही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, ये जोन हमेशा खुली खाली रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो सबमर्सिबल के चारों तरफ ईंटें मटेरियल मलबा जो रखा है वो सारा यहाँ से हटवाएं, और जो आपने ये रूम बनाया हुआ है, जो सीमेंट स्टोर बनाया हुआ है, ये भी पॉसिबल है, तो इस सीमेंट स्टोर को यहाँ से हटाकर अपने बनी बिल्डिंग के साउथ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पर बनाएं। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपकी जो बिल्डिंग बनाने की स्पीड है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, यानी आपकी बिल्डिंग जो समय पर पूरी होनी चाहिए वो समय से पहले ही पूरी हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको ख़ास बात बताना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो जगह है वो काफ़ी लंबी है, 5-6 एकड़ की जगह है इनकी, तो इन्होंने आगे के फ्रंट के 2 एकड़ में ही, 1 एकड़ तो अपना इन्होंने अपना फ्रंट ओपन एरिया पार्किंग में छोड़ा है और उसके बाद 1 एकड़ में इन्होंने अपनी
रेस्टोरेंट बनाया है, उसमें ओपन एरिया भी है। अब इसमें इसका वास्तु दोष दूर करने के लिए, क्योंकि जो ये लैंड है, ये लैंड तो इन्होंने रोड के लेवल से ऊंची कर दी, लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकी लैंड रह गई है वो हमारे रोड के लेवल से नीची है। तो ऐसे में करना क्या है, जो हमारा वेस्ट की दीवार आती है यहाँ से साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ ईस्ट तक एक दीवार बनानी है। ऐसे ही वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम दिशा में साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक भी दीवार बनेगी। और जब ये दोनों दीवारें बनेंगी तो यहाँ पर साउथ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री बनाना है। ये काम बहुत ही ज़रूरी है। ये दीवार यानी साउथ की दीवार आप 9 इंच की या 14 इंच की ज़रूर बनाएं। 18 इंच की बना सकते हैं तो और भी बेहतर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका अपना ये रेस्टोरेंट के लिए हॉल बना है, ये हॉल हमारे ओपन एरिया से ऊंचा बना है, तो ऐसे में है क्या कि हमारा साउथ का हिस्सा और वेस्ट का हिस्सा भी नीचा हो जाता है। इसी के साथ में साउथ ईस्ट का हिस्सा इन्होंने ओपन रखा हुआ है, यानी ये बनी बिल्डिंग है इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये एक इनकी अपनी बिल्डिंग बनेगी और ये एरिया इनका अपना कंप्लीट ओपन है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपका ये ओपन एरिया है, इस एरिया को भी आपने अंदर के लेवल के बराबर करना है। सबसे ऊंचा एरिया अप हाईएस्ट एरिया ये होना चाहिए। फर्श की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक, साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक, और फिर साउथ से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक, और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक फर्श की ढलान जरूर करनी है। ऐसा करने से मेरा अपना जो मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा 24 सालों का अनुभव है, वो ये कहता है कि इस तरीके से अगर आप फर्श की ढलान कर लेते हैं तो आपका रेस्टोरेंट हमेशा ही बढ़िया चलेगा। कभी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। आपका रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया चलेगा। किसी के पास काम है या नहीं है, लेकिन आपके पास काम भरपूर जरूर होगा। क्या काम करने से, फर्श की ढलान सही करने से, दीवार लगाने से साउथ की और वेस्ट की दीवार लगाने से आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। अब इसमें मैं आपको कुछ खास बातें और बताना चाहूँगा। यहाँ पर फर्स्ट एक तो ये एंट्रेंस बनाई है जो कि नॉर्थ ईस्ट की है, नॉर्थ वॉल से। एक एंट्रेंस ईस्ट से बनाई है जो कि ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट की ओर से एंट्रेंस बनती है, और एक एंट्रेंस यहाँ से साउथ की ओर के बनाई है। अंदर हॉल से जाते हैं तो ये एंट्रेंस साउथ की बनती है और ये एंट्रेंस ईस्ट की बनती है, और ये एंट्रेंस हमारी नॉर्थ की बनती है। अब अंदर जो हॉल बन रहा है, इसमें ये एरिया तो इनका अपना कंप्लीट सिटिंग जोन है। यहाँ पर यानी इस एरिए के साउथ ईस्ट की ओर इन्होंने अपनी किचन बनाई है। ये किचन यहाँ पर एज पर वास्तु बिल्कुल सही है। साउथ वेस्ट में स्टोर रूम बनाया हुआ है और इसी के साथ नेक्स्ट रूम में इन्होंने वॉशिंग एरिया बनाया है। वॉशिंग एरिया भी सही है और ये दो जो रूम बने हैं ये भी बिल्कुल सही है। मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, जो वॉशिंग एरिया यहाँ पर बनाया है, इस वॉशिंग एरिया को यहाँ से हटाकर यहाँ पर आप वॉशिंग एरिया बनाएंगे तो और भी आपके लिए बेहतर होगा। वेस्ट जोन में मेल के लिए टॉयलेट्स बनाई है, यानी जो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने आते हैं उन्हें वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, तो उसके लिए वेस्ट जोन में टॉयलेट्स बनाई है। ये टॉयलेट बिल्कुल सही है। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट जोन में भी टॉयलेट्स बनाई है। ये टॉयलेट उन्होंने फीमेल के लिए बनाई है। ये टॉयलेट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन जो ध्यान रखना है, जब ये टॉयलेट्स यहाँ पर बनेगी तो अंदर के फ्लोर लेवल के बराबर टॉयलेट्स का फ्लोर लेवल होना चाहिए, और टॉयलेट के अंदर सेटिंग इस प्रकार से करनी चाहिए जो आप वॉश बेसिन लगाएं, क्योंकि वॉश बेसिन के ऊपर मिरर भी लगाया जाता है। वॉश बेसिन आपका नॉर्थ वॉल पर या ईस्ट वॉल पर आना चाहिए। टॉयलेट शीट जब आप लगाएं तो टॉयलेट शीट का इस्तेमाल करते समय जो फेस होना चाहिए वो नॉर्थ की ओर होना चाहिए या साउथ की ओर होना चाहिए। ऐसे ही यूरिनल लगाते हैं तो यूरिनल आपका नॉर्थ वॉल पर या साउथ वॉल पर ही आना चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। एक एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट जोन से यहाँ से दिखाई गई है जो कि बाहर की ओर रास्ता जाता है। ये डोर भी, ये एंट्रेंस भी बिल्कुल
सही है। टॉयलेट के साथ में ही स्टेयर्स दिखाई गई है, ये स्टेयर्स एज पर वास्तु सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, जब यहाँ पर स्टेयर्स बनाएं तो ये स्टेयर्स आपके बिल्कुल लाइट वेट की होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। और छत पर जाकर जब आप ये स्टेयर्स की मोमेंटी बनाएं तो आपका साउथ वेस्ट का एरिया इससे ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है। अब एक खास बात और, जो आपकी ये टॉयलेट बनी हुई है, इस टॉयलेट के नीचे एक सेप्टिक टैंक भी बनाया हुआ है। एज पर वास्तु वो सेप्टिक टैंक यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो सेप्टिक टैंक को आप बाहर ओपन एरिया में ज़रूर बनाएं। आपने अपने यहाँ पर लिफ्ट लगानी है तो वो लिफ्ट आपके स्टेयर्स के साथ यहाँ पर आपके अपने लिफ्ट लग जाएगी। और आपने जो काउंटर बनाना है वो काउंटर आपका अपना यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आपका अपना कैशियर होगा और यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आकर खड़ा हो जाएगा जिसने बिल पे करना है। कस्टमर की सीटिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट के नॉर्थ ईस्ट जोन में एक वाटर बॉडी ज़रूर लगानी है और उसका इस्तेमाल रेगुलर करना है। वाटर बॉडी जब नॉर्थ ईस्ट की ओर रखें तो वो बिल्कुल लाइट वेट की होनी चाहिए और इसमें जितना ही पानी का सर्कुलेशन होगा उतना ही आपके यहाँ पैसे आने के साधन ज़रूर बनेंगे। इसी के साथ जो आपके अपनी किचन है, किचन में भी ध्यान रखना है, जब खाना बनाएं तो खाना बनाते समय फेस ईस्ट में यानी पूर्व दिशा की ओर आपका फेस होना चाहिए। यानी जो आपके शेफ़ होंगे, जो आपके अपने हलवाई होंगे, उनका फेस ईस्ट की ओर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर आप सिटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ फ्रंट में जो पार्किंग एरिया है वो पार्किंग एरिया तो आपका अपना फ्रंट में इसी जोन में बनेगा, क्योंकि जगह आपने बहुत सारी छोड़ी हुई है तो यहाँ पर आपकी अपनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ ओपन एरिया में, पार्किंग एरिया में नॉर्थ सेंटर के अंदर एक ज़मीन के अंदर फाउंटेन की व्यवस्था करें और उसमें पानी चालू करें। जितना पानी आपका यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जितना पानी चलेगा, जितना फाउंटेन पानी को ऊपर की ओर उछलेगा और वो पानी नीचे आएगा, तो उसके कारण आपके यहाँ पैसे आने के साधन बहुत ज़्यादा बनेंगे। आपके यहाँ कस्टमर हमेशा ही आता रहेगा। जो व्यक्ति आपके यहाँ खाना खा के जाएगा वो आपके यहाँ ज़रूर दोबारा आएगा। आपने यहाँ पर फाउंटेन लगाना है और उस फाउंटेन का इस्तेमाल रेगुलर करना है। मैंने फाउंटेन इसलिए कहा है, जब फाउंटेन यहाँ पर चलेगा, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा में गर्माहट भी होती है, और जब फाउंटेन चलेगा तो जब हवा पानी से टकरा कर निकलती है तो वो हवा ठंडी हो जाती है। हम देखते हैं जब भी किसी तालाब के पास, किसी नहर के पास, किसी नदी के पास जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है, जो एयर का एटमोसफेयर होता है, वो बिल्कुल ठंडा होता है। तो इसलिए आपने भी अपने यहाँ पर नॉर्थ में फाउंटेन ज़रूर लगाना है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में, आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप भी अपना रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं या आपका अपना रेस्टोरेंट बना हुआ है या होटल बनाने जा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप अपना होटल बना चुके हैं, आप अपना रेस्टोरेंट बना चुके हैं और आपका रेस्टोरेंट या आपका होटल अच्छा नहीं चल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप अपनी साइट का लेआउट भेजकर, मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। और आप अपने यहाँ अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपनी नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या आप अपने बिल्डिंग को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 450 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं वो अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाई हुई है। जैसे इसमें मैंने बताया स्टेयर्स के बारे में, क्यों हमें बनी हुई बिल्डिंग और ओपन एरिया का वास्तु अलग अलग मानना चाहिए, स्टेयर्स के बारे में मैंने वीडियो बताई है, फोटो स्टूडियो के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, साउथ ईस्ट फेसिंग
प्लॉट के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने अलग अलग विषयों पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, उसमें कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है और इंडस्ट्रियल भी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि कहाँ घर के साउथ जोन में या किसी भी जोन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे बात करते हैं हम वास्तु टिप्स फॉर नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट्स, देखिए ये आ गई वीडियो, वास्तु टिप्स फॉर नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट। आपका अपना रेस्टोरेंट नॉर्थ फेसिंग है तो आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। जिनकी वीडियो मैंने बनाई है उन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है, मेरी ये वीडियो देखकर उन्होंने कहा कि बंसल जी मेरा एक रेस्टोरेंट बनने जा रहा है तो आप मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। आप भी अपना रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं या आपका रेस्टोरेंट बना हुआ है अच्छा नहीं चल रहा या आप रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने यहाँ भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि मेरी वीडियो आगे आपके अपने सर्कल में शेयर करने लायक है तो आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।